एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले से जुड़ी हुई बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से खबर है, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में अब सीबीआई की विशेष टीम, आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 6 सदस्यीय टीम है जो कि पहुंचेगी और उसके बाद आज जांच पड़ताल सीबीआई की टीम के द्वारा की जाएगी। लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, कल मुख्यमंत्री की तरफ से इसके आदेश दिए गए और उसके बाद अब सीबीआई ने इसको लेकर के एफआईआर दर्ज कर दी है। 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो कि बाघमरी मठ पहुंचेगी और यहां पर जायजा आप टीम के द्वारा लिया जाएगा। तो ये बेहद अहम है, इस पूरे खबर पर अपडेट क्या है इसको जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं प्रयागराज का। हमारे साथ अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अपडेट इस समय क्या है, क्योंकि 6 सदस्यीय सीबीआई की टीम को आज जाना था बाघमरी मठ में जाकर के, वहां पर आज वो मुआयना करेगी, जांच पड़ताल करेगी, फिलहाल जानकारी क्या है अभिषेक? जी मैं बता दूं कि जिस तरह से सीबीआई की ओर जो है मुख्यमंत्री योगी ने सीबीआई जांच की अनुमति देने के बाद जो है अब जो है 6 टीम जो है सीबीआई की वो अपनी जांच को पूरा करने के लिए और इस पूरे जो है बाघमरी मठ पहुंच सकती है। ऐसे में यहाँ पर सीबीआई के आने की आड़ को लेकर के हलचल पहले से ही काफी तेज है और यहाँ पर जो सरगर्मियां जो है, जो हलचल है, जो इस केस से जुड़ी सारी बातें हैं उन पर अब चर्चाएं और जोर पकड़ रही है, क्योंकि पूरा जो केंद्र है वो सीबीआई के आसपास है, क्योंकि उसकी जांच बिंदु में जो बातें, अहम बातें अब निकल कर आएंगी, क्योंकि इसके पहले एसआईटी की यहाँ पर एक टीम आई थी और वो आज दोपहर में जांच करके यहाँ से गई थी। इसके पहले एक यही अंदेशा जताया जा रहा था कि इस जांच के तुरंत एसआईटी के जांच के बाद जो है अब जो है जो सीबीआई का जो है केस को टेक ओवर करेगी, तो उसके पूरे जो पहले से जो यहाँ पे कड़ियां हैं उनको एक बार सिलसिले वार ढंग से एसआईटी ने भी जांच करके की सही मायनों में जो अपनी जो रिपोर्ट होगी वो सीबीआई को सौंपनी होगी, उसके आधार पर जो है जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सीबीआई के अपने जांच के अपने पहलू भी होंगे जिनको वो खंगालते हुए उस पर काम करेगी और सारे जो बातें हैं वो प्रयास यही लगाया जा रहा है कि सीबीआई अभी यहाँ पर कभी भी आ सकती है। आपको मैं दिखाऊं कि पहले से यहाँ पर अगर देखना चाहेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो बात की जाए हैं, लोगों के साथ बातचीत भी आप कर रहे हैं, संतों के साथ भी आपकी बातचीत हो रही है। संत समाज की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि एक तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो एसआईटी का गठन किया गया था उस पर उनको कोई भरोसा था नहीं, क्योंकि सीबीआई जांच की सिफारिश बार बार करने की मांग कर रहे थे। अब सीबीआई की टीम वहां पर पहुंच रही है, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि वहां पर जो मौजूद संत समाज है उसका रिएक्शन इस पर क्या है, और दूसरा ये क्योंकि रामविलास वेदांती ने भी जो बड़ी बात उठाई जिसमें उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, फंदे से उनको मारकर लटकाया गया है, सुसाइड नोट वो लिख नहीं सकते, क्या इन सारे विषयों पर अब लग रहा है कि सीबीआई का जो फोकस है वो रहने वाला है अभिषेक? जो है यहाँ के जो अखाड़ा जून अखाड़ा के महामंत्री हैं वो हरिगिरी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि अब जब एक केस सीबीआई के अंडर में आएगा और जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद ही किसी भी पहलू पर किसी भी बिंदु पर बात करना और कोई भी बयान देना उचित होगा। यानी संत समाज भी कहीं ना कहीं पुलिस और एसआईटी की जाँच से परे होकर के सीबीआई जाँच की जो लगातार मांग था उसके इंतजार में था, और अब क्योंकि सीबीआई जाँच अब टेक ओवर कर रही है और कभी भी जो है सीबीआई की टीम जो है वो 6 सदस्यीय टीम उनकी दाखिल हो सकती है और जांच। अभिषेक आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी हम आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। तो हालांकि अब सीबीआई की जो टीम है वो मठ पहुंचेगी और वहां पर जाकर के जब जांच पड़ताल करेगी तो निकल कर आगे क्या कुछ सामने आता है, सबकी निगाहें इसी पर लगी हुई है। लेकिन इसी से जुड़ी